नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। मैं हूं आपके साथ पवन माली। स्वागत करता हूं पवन माली चंबल मंडल यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आप देख रहे हैं यहां पर मैं करौली हूं और करौली में जो राजा महाराजन का जो बाग बगीचा था, मैं उस जगह पर आया हूं। तो यहां पर जो राजा महाराजन ने यहाँ पर करौली के जो राजा थे मानपाल जी, तो दोस्तों मैं बताऊंगा यहाँ पर जो शिकारगंज पे स्टैम हूँ और शिकारगंज पे जो बाग बगीचा है राजा का, मैं पूरा प्राचीन और उसके बारे में पूरा प्रकृति का पूरा नज़ारा दिखाऊंगा और ये राजा महाराजन का पूरा दृश्य दिखाऊंगा। और दोस्तों पूरे वीडियो में बने रहें और पूरी जानकारी बारीकी से आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, इससे आने वाली जानकारियाँ सबसे पहले सभी भाइयों को मिलती रहें। दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी वाला बटन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर ले, इससे आने वाली जानकारियाँ सबसे पहले आप सभी को मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर बगीचे का पूरा दृश्य देखेंगे, पूरा महल देखेंगे और कलाकारी भी देखेंगे, जो कारीगरों ने जो बनाए थे जो महल, उसके बारे में पूरी जानकारी आप तक मिलेगी, पूरी आपको पहुँचाऊँगा। तो वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को पूरा देखें। साथियों, जो राजा ने यहाँ पर बाग बगीचा बनवाया था, तो यहाँ पर काफ़ी सुंदर है और काफ़ी यहाँ पर देखने लायक जगह भी है। तो पूरी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी दोस्तों। और यहाँ पर जो प्राचीन है, जो मंदिर भी बने हुए हैं और स्कूल भी बना हुआ है। साथियों आप देख सकते हैं इधर की साइड में स्कूल भी बना हुआ है और इधर में मेन दरवाज़ा है और एक दरवाज़ा और है इधर की साइड में, तो यहाँ पर और एक छोटा सा दरवाज़ा इधर में है, तो मात्र कुल यहाँ पर तीन दरवाजे हैं। और यहाँ पर शिकारगंज किस नाम से पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर राजा महाराजा थे, यहाँ पर शिकार खेलने के लिए यहाँ पर आते थे, तो इसीलिए यहाँ का शिकारगंज का नाम शिकारगंज पड़ा है। शिकारगंज महल शेखर महल करौली शहर से 1 किमी दूर रणगम्मा के ताल से पहले मंडा रोड पर शिकारगंज में पड़ता है। यह उत्कृष्ट वस्तु एवं शिल्प कला का एक अच्छा उदाहरण है। इसका निर्माण महाराजा हरबलास पाल जी ने 1835 ईस्वी में शुरू करवाया था, जो कि महाराजा प्रताप पाल के समय सन 1846 में पूरा हुआ था। इसका निर्माण मुख्य रूप से करौली राज परिवार को युद्ध के समय सुरक्षित रखने के लिए किया था, संभव इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। इस महल का एक भाग में रहने के लिए हवेली बनी हुई है। इसका प्रयोग राजा के परिवार सदस्य या हाथौती के राब करते थे। आखिर में यहाँ परम्परा के राब और महाराजा भवनपाल जी के भाई मोतीपाल जी रहे थे। दूसरा प्रमुख हिस्सा एक अलीशान शिकार महल का है। महल का निर्माण मुगल शैली में किया था। इसमें बने हुए वाटरफॉल एवं फुब्बारे का निर्माण महल के सुंदर में 4 चांद लगाता है। फुब्बारे एवं वाटरफॉल के से निकला हुआ पानी एक बड़े कुंड में एकत्र होता था। यही पानी लिफ्ट करके फिर प्रयोग में लिया जाता था। यह व्यवस्था इसी अवधि में निर्मित डिंगी के महल के गुब्बारों से मिली खाती है। भूमि तल से ऊपर 3 मंजिलों में बनी हुई गुलबुलैया अद्भुत है, जो कि अवश्य आलाखान करने योग्य विषय है। इसके अलावा यहाँ महल में प्रयोग हुए खम्भे एवं इसके भवन को प्रयोग हुई स्थापना कला दर्शाई है। इनके अलावा भूमि के गर्भ में छुपी इस महल की मंजिल है, जिसमें पहली मंजिल पर आपको दाएं हाथ पर एक रास्ता जाता दिखेगा, जो कि भूलभुलैया को जाता है। इसके बाद दूसरी मंजिल पर आपको दाएं हाथ पर एक रास्ता जाता दिखेगा, जो कि करौली राव महल तक लगभग 2 किमी तक जाता है। और तीसरी मंजिल पर आपको एक बहुत बड़े हॉल देखने को मिलेगा, जिसमें स्थित कंजूर और उन पर उपली गई मूर्तियां आपको अर्चित कर देगी। आश्चर्य का विषय यह भी है कि यह सुरंग भी पक्के पत्थरों से बनी हुई है। गुरु गोपाल जी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस सुरंग की चौड़ाई एवं ऊंचाई मनुष्य के आने की दृष्टि से लगभग 10x10 फीट रखी गई थी, जिसके दुश्मन के समय राज परिवार के लोग सुरंग के रास्ते राजमहल से शेखर महल तक आ सके। यह सुरंग जितनी बची है और उसे जितना करोलियंस टीम ने देखा था, वहाँ तक वहाँ पक्का निर्माण देखने को मिला। आगे का हिस्सा अधिक क्षतिग्रस्त है।
समय की मार और अवांछनीय तत्व द्वारा इस महल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, जिसका मुख्य कारण यह है यहाँ के बारे में फैली अफवाह है कि यहाँ खजाना छुपा हुआ है, जो कि इस महल की जमीन में छठी मंजिल पर है। और इसमें रहस्यपद बात यह है कि महल में जमीन के नीचे सिर्फ 4 ही मंजिल है, जिससे सुनकर काफ़ी लोग गए भी थे, पर वहाँ भी 3 या 4 मंजिल तक ही होकर आ पाए। परंतु तत्काल राजस्थान सरकार द्वारा इसके पुनरुद्ध द्वारा कार्य जारी है। इसके अलावा इस महल के रहवास क्षेत्र को महाराजा श्री कृष्ण चंद्र पाल जी द्वारा सरकार को विद्यालय के लिए दान दिए जाने के कारण वह काफ़ी हद तक सुरक्षित है। आइए कुछ झलकियाँ देखते हैं। इस महल को मोती महल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, मोती महल के नाम से जाना जाता है। इस महल में काफ़ी जानकारियाँ एवं दृश्य देखने लायक मिलते हैं, और भी देख लेते हैं थोड़ा। इस प्रकार से क्षतिग्रस्त पड़ा है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से किस प्रकार से यहाँ पर क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है ये महल। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रतिदिन नए नए वीडियो में लाता रहता हूँ इसी चैनल के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। इससे आने वाली जानकारियां सबसे पहले आप सभी को, प्राचीन जगह की एवं प्राचीन स्थानों की जानकारियां सबसे पहले आप सभी को मिलती रहें।